हेलो एवरीवन, कल अपन ने अल्फ़ाबेट की वीडियो डाली थी। अल्फ़ाबेट थोड़ा बढ़िया चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, तो इसका टेस्ट मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में डाला है, जो टेस्ट आप लोग आज दोगे। फॉर डिटेल्ड सोल्यूशन रेफर दिस वीडियो, ठीक है? कैसे हर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद भी अगर अपने डाउट रह जाएंगे तो अपन डिस्कस कर लेंगे, कोई भी इसमें दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? तो अपन चालू करते हैं। तो अपन चालू करते, देखो फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है अपना, टाइप वन जैसा फर्स्ट क्वेश्चन है। देखो कर लेते हैं, इनमें तो बहुत, मतलब जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था ना, वैसे ही मैं सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा। बहुत बढ़िया नंबर आने चाहिए इस टेस्ट में, पर कोई बात नहीं, अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो मेरे को दोबारा पिंग करना। इसके दो पार्ट है, पहला पार्ट है फिफ्थ लेटर टू द लेफ्ट वाला, और दूसरा पार्ट है 14 लेटर फ्रॉम योर राइट वाला। दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। चालू अपन को कहाँ से करना है? चालू अपन को लास्ट से करना है। और क्वेश्चन पढ़ना कहाँ से? क्वेश्चन दोनों तरफ से पढ़ना है। सबसे पहले 14 लेटर फ्रॉम राइट निकालो। राइट अपना कौन सा जिससे अपन लिखते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 लेटर हो गया हमारा ये। अब क्या बोल रहा है ये? फिफ्थ लेटर टू द लेफ्ट ऑफ। देखो ऑफ का मतलब अब पता है, ये कर लिया तुमने तो इसको एम से रिप्लेस कर दो। ये जो ब्रैकेट था ना इसके बाद वाला, इसको एम से रिप्लेस कर दो। अब क्या बोल रहा है? फिफ्थ लेटर टू द लेफ्ट ऑफ एम, एम के लेफ्ट में चलो। लेफ्ट बोले तो उल्टा हाथ, उल्टा हाथ बोले तो फिफ्थ। चलो 1 2 3 4 5, एच आ गया, एच आ गया। आंसर क्या हो गया? एच हो गया, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आगे पहले अपन टाइप वन वाले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? अब देखो ये फोर्थ, हर पेज वाइज करेंगे, ठीक है? देखो इफ इफ फर्स्ट हाफ ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज रिटर्न इन रिवर्स ऑर्डर, ये मैंने बताया टोटल लेटर होते हैं हमारे 26। फर्स्ट हाफ का मतलब हुआ 26 डिवाइडेड बाय 2, 13 लेटर को अपन ने उल्टा लिख दिया। और कौन से पहले 13 को क्या लिखा है? फर्स्ट हाफ। तो फर्स्ट 13 कौन से? ए बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, एम तक लेटर अपन उल्टा लिखेंगे। एम तक अपन लेटर उल्टा लिखेंगे, लिख देते एम एल के जे आई एच जी एफ ई डी सी बी, एम तक उल्टा लिखा। और उसके बाद अपन ने उल्टा नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि क्वेश्चन ने क्या बोला था? फर्स्ट हाफ तक ही अपन को लेटर उल्टे लिखने हैं। अपन ने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। टर्म्स एंड कंडीशन वाला क्वेश्चन है, पहले जो टर्म्स एंड कंडीशन दे रखी है उसको करना है, फिर आगे क्वेश्चन पढ़ना है। तो यहां तक तो हमारी टर्म्स एंड कंडीशन हो गई, TNC, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। तो ये अपन ने कर लिया। अब अपन सीरीज पढ़ते, क्या लिखा है? सेवेंथ लेटर टू द लेफ्ट एंड 10 लेटर फ्रॉम योर राइट। देखो दो पार्ट है, एक ये वाला पार्ट है, दूसरा ये वाला पार्ट है। सॉल्व कहाँ से करना है? पीछे से करना है। तो क्या लिखा है? 10th लेटर फ्रॉम योर राइट। हमारा राइट कौन सा है जिससे अपन लिखते हैं? यहाँ से 10th लेटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10th लेटर हो गया। फिर इस ब्रैकेट को, जो आगे वाला ब्रैकेट है, इसको अपन ने क्यू से रिप्लेस कर दिया। अब ये क्या बोल रहा है? सेवेंथ लेटर टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, ऑफ क्यू, सेवेंथ लेटर टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। अब देखो सेवेंथ लेटर लेफ्ट बोले तो ये, सेवेंथ बोले तो 1 2 3 4, सॉरी ए भी तो आएगा इधर, 1 2 3 4 5 6 7th, सेवेंथ। आंसर क्या हो गया इसका? डी हो गया। आंसर क्या हो गया? डी हो गया। टाइप वन कर रहे हैं। अब देखो इस पेज में दो कौन से क्वेश्चन दे रखे हैं? इस ये वाला अपना टाइप वन थे ऐसे वाले क्वेश्चन, उसके बाद हमारे ये चेयर्स वाले टाइप टू थे और ये टाइप थ्री थे। तो देखो इसको अपन कर लेते हैं टाइप वन, ये हो गया टाइप वन, ये हो गया टाइप टू। पेपर वाइज पेपर करेंगे टाइप वन, ठीक है? ये वाला हो गया हमारा टाइप टू, और ये अल्फाबेटिकल में अरेंज करने वाला हो गया हमारा टाइप थ्री। पहले करते हैं अपन टाइप टू, क्योंकि टाइप टू बहुत ईजी होते हैं, टाइप टू में बहुत ईजी होते हैं। मेरा पेन, हाँ पेन खत्म हो गया ये वाला, इसलिए क्लैरिटी नहीं आ रही थी। देखो चेयर्स, CHAIRS, मैंने इसकी वीडियो एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है? चेयर्स में कितने वर्ड होते हैं? एक सेकेंड, अपन चेयर्स कर रहे थे। देखो चेयर्स में क्या बोल रहा है? वो सेम वाली चीज़ बोल रहा है। तो अपन देखते हैं, सी से अपन चालू करते हैं। DEFGH नहीं आया, ठीक है? एच से चालू करते हैं, एच के बाद करते हैं ABCDEFGH, के बाद आता है IJKL, नहीं आया। एच के पीछे चले, एच के आगे क्या आता है? आई, नहीं आया। ए के बाद चले BCD, नहीं आया। ए के बाद चले BC, आया। अल्फाबेटिक तो आगे चलना है, और आगे भी चेक करना है, पीछे भी चेक करना है। आई के बाद क्या आता है? ABCDEFGH। आई के बाद आता है J, K नहीं है, J, ABCDEFGH,
ए बी सी डी एफ जी एच, आई के बाद आता है जे के एल, नहीं है, आर के बाद क्या आता है, ए बी सी डी एफ जी एच है, मैंने क्यों, आर के बाद आता है एस है, आर के बाद क्या आता है एस टी यू वी, ठीक है, एस के बाद क्या आता है आर एस, आर एस के बाद आता है टी यू वी डब्ल्यू एक्स, कुछ भी नहीं है। तो पेयर कितने हुए, दो पेयर हो गए, आंसर क्या हो गया, दो हो गया, ठीक है, दो टू आंसर हो गया। टाइप थ्री, चलो टाइप थ्री के अंदर अब मैं इतना, मैं देखो अल्फाबेटिकली डिक्शनरी वाइज ऑर्डर करना है, देखो सब में ई है, सब में ई है तो अपन ई को काट देंगे, अपन ई को काट देंगे क्योंकि सब में ई दे रखा है, अपन ने ई को काट दिया, ई को काट दिया, ई को काट दिया, ई को काट दिया। अब ए बी सी डी वाइज एक्सप्लेन कर दो, तो ए ए आया तो ये हो गया नंबर वन, ए के बाद क्या आता है बी है, सी आ गया, ये हो गया नंबर टू, फिर क्या हो गया एम हो गया, एम हो गया हमारा नंबर थ्री, एन हो गया और ये फोर हो गया, तो ऐसे करके पांच अरेंज कर लिए। और अपन को क्या करना है, पिक द वन दैट कम सेकंड, सेकंड कौन आता है ये, तो आंसर क्या हो गया ये, ठीक है, तो अपन ने ये वाला कर लिया, देखो ये वाला अपन ने पेज वन कर लिया, ठीक है, आगे चलते हैं। कितनी ये एक्चुअली बार बार मैसेजेस आ रहे हैं तो मेरे को उसको पॉज करना पड़ रहा है वीडियो को, तो फ्लो नहीं आ रहा, पर ठीक है, अपन को सोल्यूशन से मतलब है। विच लेटर इज इन द मिडल ऑफ द 13 लेटर फ्रॉम द राइट एंड फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट। देखो अब दो पार्ट में अपन डिवाइड कर ले, पर सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन में उसने क्या बोला, विच लेटर इज इन द मिडल, इन द मिडल मतलब इन दोनों के मिडल में कौन सा है, तो पहले कुछ भी कर लो पर अपन लास्ट से करेंगे, फोर्थ लेटर देखो, और ये एंड है, ऑफ नहीं है, अगर ऑफ होता तो दोनों का रिलेशन होता है, एंड है तो दोनों अलग अलग है, दोनों का मिडल पूछ रहा है। फोर्थ लेटर फ्रॉम द राइट, फोर्थ लेटर राइट का आंसर राइट, तो ये अपना वन टू थ्री फोर, और 13 लेटर फ्रॉम लेफ्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 लेटर तो ये हो गया। अब इनका मिडल पूछ रहा है, मिडल कैसे निकालते हैं, काटते जाओ, इधर से काटो, 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 मिडल बचा क्या, आर, आंसर क्या हो गया अपना आर, ठीक है, चलो ये कर लिया अपन ने, आगे चले, आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है ये अपना कौन सा टाइप था, ये भी अपना टाइप वन था जो अपन ने ऊपर करा। इफ ऑल द एज आर ड्रॉप फ्रॉम द अरेंजमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 11th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 11th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। देखो इसमें टर्म्स एंड कंडीशन लगा रखी है, इफ एज आर ड्रॉप्ड मतलब सारे ए ड्रॉप कर दिए, तो मतलब काट दो सारे, सारे ए ड्रॉप कर दिए तो ए काट दो, ए देखो ए अगर कोई छूट जाए वीडियो में, देखो मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ तो गलती मेरे से भी हो सकती है, तो इग्नोर मार देना गलती को, ठीक है। अब 11th बोल रहा है फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से चले, लेफ्ट कौन सा होता है, अपना उल्टा हाथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया अपना यू, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। इफ फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर्स इन द डिप्रे, ओ सॉरी, देखो अब ये हमारा, ये भी इंटरचेंजिंग वाला टाइप वन ही है कि हम ऐसा ऐसा करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन देंगे, टर्म्स एंड कंडीशन देंगे और फिर अपन को कुछ सॉल्व करना है, ठीक है। डिप्रेशन में फर्स्ट और सेकंड लेटर्स इन द वर्ड वर इंटरचेंज, ऑल्सो द थर्ड एंड फोर्थ आर इंटरचेंज, और फिफ्थ एंड सिक्स को भी कर दिया, एंड सो ऑन को कर दिया, मतलब 1 2 हो गए, 3 4 हो गए, 4 5 हो गए, 5th 6th हो गए, तो ऐसा करके आगे हो गया। अब देखो मेरी बात करते हैं, डिप्रेशन वर्ड है, क्या बोला पहले, फर्स्ट एंड सेकंड को इंटरचेंज कर दिया, मतलब ई डी कर दिया, ठीक है, थर्ड और फोर्थ को कर दिया, थर्ड पे क्या पी और आर थे तो आर पी कर दिया, आर पी कर दिया, फिर फिफ्थ और सिक्स को कर दिया, ई एस को करा तो एस ई हो गया, ई एस को एस सी कर दिया, फिर इन दोनों को करा, फिर इन दोनों को करा तो ये हो गया आई एस और ये हो गया एन ओ, अपन ने टर्म्स मान ली। अब आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है सेवेंथ लेटर फ्रॉम द राइट, बता दो बस, सेवेंथ राइट कौन सा होता है, अपने हाथ जिसमें होता है ये, 1 2 3 4 5 6 7, सेवेंथ क्या हो गया, आंसर हो गया अपना पी, ठीक है, बहुत इजी है, मतलब यार जो बोलते जाए ना, क्वेश्चन करते जाओ, फिर कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। हाउ मेनी पेयर आर देयर इन द पैराडाइज विच इज सेम एज एन इंग्लिश अल्फाबेट, ये अपना टाइप टू हो गया, टाइप टू हो गया, इसमें क्या बोल रहा है कि पैराडाइज का निकालो, पैराडाइज निकाल लेते हैं, पी पै र डाइस, पी ए आर ए डी, पी ए आर ए डी आई एस सी, देखो गलती वलती हो जाए तो देख लेना, एम एन ओ पी के बाद आता है क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, नहीं है, ए के बाद आता है बी सी डी
ई एफ जी, ए के पहले चले बी, ठीक है, आर के बाद आता है एस टी यू वी डब्ल्यू, आर के बाद आता है एस टी नहीं है, ए के बाद आता है बी सी डी ई है, ए के पहले चलो बी सी डी कुछ नहीं है, डी के बाद चलो ई एफ जी, ई एफ जी एच नहीं है, आई के बाद क्या आता है ए बी सी डी एफ जी एच, आई के बाद आता है जे के नहीं है, जे के एल एम नहीं है, एस के बाद चलो टी नहीं है, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं है, ई के बाद चलो एफ जी एच आई जे के एल कुछ भी नहीं है। तो पेयर कितने बने, 1 2 3 पेयर बन गए, आंसर क्या हो गया, 3 पेयर हो गए, ठीक है। टाइप टू भी अपन ने कर लिया, आगे चले, आगे चलो, विच ऑफ द, अब ये टाइप वन आ गया दोबारा, जितनी एक बार प्रैक्टिस कर लोगे ना इन 20 क्वेश्चनों की कोई दिक्कत ही नहीं आएगी तुम्हें। विच लेटर इज इन द एल्फाबेट इज एट्थ लेटर टू द राइट ऑफ द लेटर एंड विच इज द, विच लेटर इज इन द एल्फाबेट टू द राइट ऑफ द लेटर एंड विच इज द 10th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द लास्ट बट वन, ठीक है, अभी देखते हैं, देखो मेरी बात, इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें क्या बोल रहा है, विच लेटर इन दिस एल्फाबेट इज द 8th लेटर टू द राइट ऑफ द लेटर विच इज 10th टू द लेफ्ट ऑफ द लास्ट बट वन। देखो इस वाले क्वेश्चन को करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, देखो मेरी बात, ये शायद क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक, अभी अपन देखते हैं, विच इज 10th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ, ये अपना लास्ट वाला पान है, लास्ट बट वन ऑफ द अल्फाबेट, लास्ट बट वन, ये जो लास्ट बट वन होता है ना, इसका मतलब होता है लास्ट, देखो अगर ये लास्ट होता सिर्फ तो अपन जेड से लेते, पर लास्ट बट वन बोला है तो अपन वाई ले लेंगे, लास्ट इसका मतलब हुआ लास्ट माइनस वन, इसका मतलब हुआ लास्ट माइनस वन, तो अपन वाई ले लेंगे, क्या बोल रहा है ये, 10th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ वाई, लेफ्ट ऑफ वाई बोले तो 10th, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th, 10th आ गया, और फिर क्या बोल रहा है, 8th लेटर टू द राइट ऑफ द लेटर, अब इसका राइट क्या हुआ, इसका राइट दोबारा इधर हो गया, तो 8 चले, 1 2 3 4 5 6 7 8, आंसर क्या हो गया, W, इसमें क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, ये क्या होगा, 8th लेटर टू द राइट ऑफ द लेटर विच इज, एंड नहीं आएगा, सीधा होगा तो आंसर आ जाएगा, ठीक है, लास्ट बट वन का मतलब क्या है, लास्ट माइनस वन कर दो और फिर जैसा बोले वाई के बाद जैसा बोले वैसे दो पार्ट में डिवाइड करके आंसर कर दो, ठीक है, अब आगे चलो, तो अब आगे चलो, अब देखो पूरी सीरीज को क्या बोल रहा है, रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, पूरी सीरीज बोला है कोई पार्ट नहीं बोला, तो पूरी सीरीज कौन सी अपनी, बाय डिफॉल्ट एक ही सीरीज होती है, ठीक है, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखे तो क्या होता है, बहुत जोर आएगा, जेड वाई एक्स, क्योंकि याद तो है नहीं जिसका रिवर्स ऑर्डर, किसको याद होगा, टी एस आर क्यू पी ओ एन एम एल के जे आई एच जी एफ ई डी सी बी ए, ठीक है, ये रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, क्या बोल रहा है, ऑल्टरनेट लेटर्स आर डिलीटेड फ्रॉम इट देन विच लेटर विल डिवाइड द न्यू सीरीज इन टू टू इक्वल पार्ट्स, अभी बोल रहा है ऑल्टरनेट लेटर्स को डिलीट कर दिया, अब ऑल्टरनेट लेटर्स को डिलीट कर दिया मतलब पहले इसको डिलीट करा फिर 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 इसको डिलीट करा, डिलीट कर दिया, अब ये बोल रहा है कि अब जो लेटर्स बचे ना उनको उनको लिख लेते हैं एक बार, जेड एक्स यू एस क्यू ओ एम के आई जी ई सी ए, अब ये बोल रहा है कि अब इस सीरीज को कौन सा इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ये बोल रहा है इक्वल पार्ट को डिवाइड करने का तरीका क्या है, पहले फर्स्ट काटो फिर इधर से 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 काटो, आंसर क्या बचा, एम, एम क्या हो गया, एम इस सीरीज को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ठीक है, तो ये भी हमारा टाइप बनी है, कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो क्वेश्चन की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर क्वेश्चन की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब देखो हाउ मेनी लेटर्स आर देयर विच इज, ये टाइप टू क्वेश्चन हो गया, ये टाइप टू वाला क्वेश्चन है, क्रिएटिव का कर लेते, क्रिएटिव, क्रिएटिव की स्पेलिंग देखो सी आर ई ए टी आई वी, क्रिएटिव, ठीक है, सी के बाद क्या आता है, ए बी सी डी ई हो गया, एफ जी एच आई जे नहीं है, आर के बाद आता है ए बी सी डी, मैंने क्यों, आर के बाद आता है एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, आर के बाद एस नहीं है, ई के बाद आता है एफ जी एच आई जे, ई के बाद आता है
ए बी सी डी ई के बाद आता है एफ जी नहीं है, ए के बाद आता है बी सी डी ई ई है, ए के बाद आता है बी सी डी नहीं है, टी के बाद आता है ए बी सी डी एफ जी एच आई मैंने क्यू आर एस टी ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, टी के बाद आता है यू वी डब्ल्यू नहीं है, टी के बाद आता है यू वी डब्ल्यू एक्स, ठीक है, आई के बाद क्या आता है ए बी सी डी एफ जी एच के बाद आई के बाद आता है जे के आई जे के एल एम नहीं है, ए बी सी डी एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू के बाद आता है एक्स नहीं है, एक्स वाई जेड, जेड हो गया खत्म, अल्फाबेट खत्म हो गया, उसके बाद दोबारा चालू नहीं करना, ठीक है। अब ई के बाद क्या आता है, ई के बाद आता है एफ जी एच एफ जी एच आई जे के एल, ठीक है, तो कितने पेयर हो गए, तीन पेयर हो गए, कितने पेयर हो गए, तीन पेयर हो गए, ठीक है, आगे चले, आगे चलो, आगे क्या लिखा है, निफ्ट द फॉलोइंग सीरीज, अब देखो वही है, एक बार इनको समझ जाओगे ना फिर दिक्कत नहीं आएगी, और समझ जाओगे कैसे, प्रैक्टिस 20 क्वेश्चन कर लो फिर कोई सब कमांड पे रट जाएगा, ठीक है। 16 लेटर फ्रॉम योर लेफ्ट, लेफ्ट कौन सा है, मेरा दूसरा वाला हाथ है, मतलब यहाँ से 16 लेके जाऊँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 लेटर ले गया, अब क्या बोल रहा है, एट्थ लेटर टू द राइट ऑफ ऑफ क्यू, अब एट्थ लेटर राइट ऑफ क्यू, राइट ऑफ क्यू क्या होता है, ये क्या है, ये अपना राइट है, एट्थ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया एट्थ, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दिक्कत हो अपन डाउट सेशन लेके, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब हाउ मेनी लेटर्स आर देयर, अब देखो इस पेज में कितने हैं, 13 14 15 है, कर लेते हैं, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द वर्ड दिस विच हैव बीन सेम लेटर, वही वाला सेम वाला आ गया, अब यार कैस्ट्रा फोन कर लो यार, इसमें पेशेंस बहुत चाहिए होता है, सी के बाद आता है डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम नहीं है, ए के बाद आता है बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ए के बाद आता है बी नहीं है, एस के बाद एम एन ओ पी क्यू आर एस के बाद आता है टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, टी यू वी डब्ल्यू नहीं है, आर के बाद आता है एस टी यू वी ए बी सी एम एन ओ क्यू आर के बाद आता है एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, आर के बाद आता है एस टी यू वी नहीं है, ए के बाद आता है बी सी डी ई एफ, ए के बाद आता है बी सी डी ई एफ, पी के बाद आता है एम एन ओ पी के बाद आता है क्यू एम एन ओ पी के बाद आता है क्यू आर एस टी क्यू आर एम एन ओ पी के बाद आता है क्यू आर एस टी यू वी हो गया, एच के बाद आता है ए बी सी डी एफ जी एच के बाद आता है आई जे के एच के बाद आता है आई जे के एल एम एन ओ नहीं है, ओ के बाद एम एन ओ के बाद आता है ओ पे थे, देखो ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ के बाद आता है पी क्यू एम एन ओ के बाद आता है पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू ओ हो गया, एन के बाद आता है एम एन ओ एम एन के बाद आता है ओ पी क्यू आर एस, एक मिनट रुको, एन पे थे, एन के बाद क्या है, एम एन के बाद आता है ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, ई के बाद आता है एफ जी एच आई जे के एल एम एन, कितने पेयर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 पेयर, कहीं ना कहीं अपन ने गलती करी है, इसका आंसर है 6, ठीक है, तो 7 पेयर में अपन ने कहाँ गलती करी है, अपन दोबारा देख लेते हैं, मैं भी आपके सामने कर रहा हूं, ई के बाद अपन ने क्या करा है, एफ जी एच ई के बाद एफ जी एच, ये वाला पेयर तो सही है, एन के बाद अपन ने करा है एम एन ओ, ये भी सही है, ओ के बाद क्या करा है एम एन ओ के बाद पी क्यू आर एस टी, ये भी सही है, ठीक है, ओ के बाद अपन ने क्या करा है एम एन एन के बाद करा है एम एन ओ पी क्यू आर एस टी पी क्यू आर एस टी, देखो यहां से भी टी आ रहा है वहां से भी टी आ रहा है एम एन ओ, ठीक है ये भी सही है, पी के बाद क्या है पी ए बी सी एम एन ओ क्यू आर एस एम एन ओ पी ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी पी क्यू आर, ये भी सही है, टी के बाद देखो ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, ये वाला भी सही है, एस ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, ये भी सही है,
टी के बाद देखो, टी के बाद ये भी सही है, सारे सही। तो कितने पैर बन रहे, 1 2 3 4 5 6 7 पैर आ रहे। देखो अभी देखते अपन, देखो अपन ने ये 2 बार कर दिया पैर, कौन सा वाला, ओ टी वाला, जो ओ टी वाला पैर है वो अपन ने 2 बार कर रखा है ओ टी वाला, इसलिए तो ये एक ही पेयर होगा, तो आंसर क्या हो गया, 6। देखो ना, टी ओ और ओ टी वाला पेयर गलती से दोबारा मार्किंग में हो गया, क्योंकि वीडियो बीच में पॉज हो गई थी, तो आंसर क्या है वैसे, T6 ही है। ठीक है, आगे चलो, समझ गए ना, वो 2 बार पेयर काउंट कर रहे थे अपन। ठीक है, इफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द अल्फाबेट इज रिवर्स एंड द सेकेंड, इसमें भी वही कर रहा है, जो फर्स्ट हाफ है अपना उसको रिवर्स कर दिया और सेकेंड वाले को अनडिस्टर्ब रहने दिया, देन विच लेटर विल बी द 10th टू द लेफ्ट ऑफ दिस टू द दिस, दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। आप कर लेते हैं क्वेश्चन, पहले MLKJIHGFEDCBA, तो 13 हुए नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, और NOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, 16 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट बोले तो ये वाला लेफ्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 आ गया ये, तो इसको अपन रिप्लेस कर देंगे पी से, 10th टू द लेफ्ट ऑफ, अब लेफ्ट कौन सा हुआ, लेफ्ट हुआ ये, 10th में गए, 10th बोले तो क्या है, पी है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, आंसर क्या हो गया, एच हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, अरेंज द वर्ड्स इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड पिकअप द वन दैट कम्स लास्ट, इसमें देखो वही है, टाइप टू है ये हमारा, डिक्शनरी वाला टाइप टू है, इसमें क्या होता है, इसमें होता है सारे बी बी से दे रखे, सारे वर्ड्स बी बी से दे रखे, तो अपन बी को काट लेंगे, अपन ने बी को काट लिया, अब हमें पता ही नहीं क्या है, बी है ही नहीं, बी है ही नहीं, अब अरेंज कर लिया, अरेंज कर लिया तो क्या हो गया, देखो ए, अब देखो ए दे रखा है, आर दे रखा है, ए दे रखा है, आर दे रखा है, तो देखो अपन ने इनके फर्स्ट लेटर रिमूव कर दिया, अब क्या बचा, आर ए, और इधर क्या बचा, इधर बचा ओ ए आर, अब इनको भी सॉल्व कर लो, पर ये पूछ क्या रहा है, सेकंड लास्ट पूछ रहा है, सेकंड लास्ट, तो मतलब देखो मेरी बात, जो ए ए वाले हैं वो तो फर्स्ट सेकंड हो जाएंगे, कोई भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और उसका अगला वाला भी हो सकता है, देखो जो ए ए वाले हैं ना दो, तो ये हो जाएगा अपना फर्स्ट, अरेंज करो इनको, अरेंज करते जाओ, एक मिनट, ये हो गया हमारा सेकंड, अब बचा क्या, आर, आर ए के बाद क्या आता है, एक मिनट रुको, ए के बाद क्या आता है, आर पहले आता है या फिर ओ पहले आता है, ए बी सी डी एम एन ओ क्यू MNOPQR, तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड, अब फोर्थ और फिफ्थ में ना आर बच रहा है, तो आर को अपन काट देंगे, आर को अपन काट देंगे, तो ये तो हो गया ऊख, और ये हो गया हमारा राइट, आइट, ओ आता है, आई आता है, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, तो ये हो गया हमारा फोर्थ और वो हो गया हमारा फिफ्थ, इसने क्या पूछा है, सेकंड लास्ट पूछा है, सेकंड लास्ट बोले तो जो लास्ट से पहले आए, टोटल कितने हैं, 5, लास्ट सेकंड क्या हुआ, फोर्थ वाला हुआ, तो आंसर क्या हो गया, फोर्थ हो गया। ठीक है, आंसर क्या हो गया, फोर्थ हो गया। ठीक है, तो ये हो गया, हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड, देखो मेरी बात, चलो इसको, ये अपना टाइप 4 है, ये तो जितना प्रैक्टिस कर लो उतनी कम है, ये वाले तो अटेम्प्ट अपन कर ही नहीं सकते, पर फिर भी अपन अटेम्प्ट करेंगे इसको। ठीक है, 17th में चलते हैं, ये क्या बोल रहा है, फर्स्ट सेकेंड, मतलब फर्स्ट और सेवेंथ लेटर बदल दिए, देखो मेरी बात, फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7, इसकी जगह तो टी कर दिया और इसकी जगह ए आ गया, फर्स्ट और सेवेंथ बदल दिए, सेकेंड और एट बदल दिए, तो आर और टी बदल दिए, तो ये तो हो गया आर और ये हो गया टी, ठीक है, और थर्ड और नाइन्थ बदल दिए, नाइन्थ क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया, तो ये आई आ गया और ये ए आ गया, ए ओ एन टी एल एस एन, तो ये अपना वर्ड हो गया। ठीक है, जो उसने बोला पहले, अपन ने टी एन सी टर्म्स एंड कंडीशन मान ली, फिर क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द फिफ्थ लेटर टू द राइट ऑफ, दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, पहले इधर से चलो, 9th लेटर फ्रॉम द राइट, राइट क्या होता है, राइट होता है अपना जिससे लिखते हैं, तो 9th, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अभी क्या बोल रहा है, फिफ्थ लेटर टू द राइट ऑफ आई,
फिफ्थ लेटर टू द राइट ऑफ आई, राइट क्या होता है ये, तो इससे फिफ्थ, चलो 1 2 3 4 5 आर, आंसर क्या हो गया आर। ठीक है, खत्म हो गई बात, आगे चलो। इफ द सेकेंड हाफ ऑफ द सीरीज इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द, अब देखो इसमें क्या करा है, सेकेंड हाफ मतलब जो लास्ट वाला पार्ट है उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी ओ एन, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। अब क्या बोल रहा है, पहले टी एन सी मान ली, टर्म्स एंड कंडीशन मान ली, फिर दो पार्ट में डिवाइड हो गया, दो पार्ट में डिवाइड हो गया, दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब बोल रहा है सेवेंथ लेटर टू द राइट, सेवेंथ लेटर फ्रॉम योर लेफ्ट, लेफ्ट कौन सा होता है, ये वाला हाथ, तो ये वाली सीरीज तो एज इट इज है और फिर ये वाली सीरीज है, तो सेवेंथ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7, सेवेंथ आ गया। अब ये क्या बोल रहा है, नाइन्थ लेटर टू द राइट, इसका नाइन्थ लेटर करो राइट में, राइट अपना ये वाला हाथ हुआ, नाइन्थ करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया अपना एक्स। ठीक है, समझ में आ गई, पहले टर्म्स एंड कंडीशन मान ली, दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, उल्टे से चालू करा और फिर जैसा बोलते जाए वैसा सॉल्व करते जाओ। ठीक है, ये वाला अपना टाइप 4 क्वेश्चन है, ये दोनों अपने टाइप 4 क्वेश्चन है, ये अभी अपन देख लेते हैं, बता दूंगा एक बार सॉल्व करना, नहीं आया तो इग्नोर मार देना। देखो ये लक पे, ये भी अपने टाइप 4 है, ये तीनों अपने टाइप 4 है, अपन अब टाइप 4 करते हैं। ठीक है, टाइप 4 करें, हाउ मेनी इंग्लिश वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम दिस, देखो इस लेटर को सारे वर्ड्स एक बार यूज करके एक वर्ड में, देखो ईच लेटर ओनली वंस इन ईच वर्ड, रिपीट नहीं कर सकते वर्ड को, एक वर्ड के अंदर इन चारों लेटर का यूज करके कितने वर्ड बन सकते हैं। देखो मेरे को इसको देख के एक कैफे तो लग ही रहा है, कैफे तो हो गई, और कितने वर्ड बना सकता हूँ इन चारों से, इन लेटर को दोबारा रिपीट नहीं कर सकते, दोबारा ई नहीं आ सकता इस वर्ड में, दूसरा वर्ड बताओ इससे क्या बन सकता है, इससे दूसरा वर्ड फेस बन सकता है, FACE, और कोई वर्ड मेरे को ध्यान नहीं है, और कोई वन वर्ड बन भी नहीं सकता, तो आंसर हो गया इसका 2। देखो ये वाले कितना भी प्रैक्टिस कर लो उसके बाद भी तो उस टाइम डिपेंड करेगी कि ये क्वेश्चन तुम्हें आना है नहीं आना, इसलिए मैंने कहा टाइप 4 प्रैक्टिस से नहीं आता, टाइप 1 2 3 को तुम प्रैक्टिस से मास्टरी कर सकते हो, टाइप 4 में तुम्हारे लक पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये वाला हो गया, आगे चलो आगे चलो आगे चलो। अब देखो इसको करते हैं, इसको करते हैं हार्टलेस। हाँ तो सुनो, अपन 1920 कर रहे थे, 1920 में थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था, इसलिए मैं वीडियो को दोबारा एडिट करके शूट कर रहा हूँ। देखो मेरी बात, 19 और 20 टाइप 4 के क्वेश्चन है, इसको इतना सीरियसली मत लेना। अपन ने इसमें पहले बता दिया था कि इसके दो वर्ड बनेंगे, मैंने इसको वीडियो शूट करी थी उस टाइम मैंने बोल दिया था कि दो वर्ड बनेंगे, पर दो वर्ड इसके अंदर नहीं बनेंगे, तीन इंडिपेंडेंट वर्ड बन सकते हैं, कैसे, ही आर्ट और लेस। अब देखो इन क्वेश्चनों में क्या होता है, इसमें क्या लिखा है, ईच लेटर को अपन को एक ही बार यूज करना है, मतलब इस क्वेश्चन में अपन को लिखा है कि ईच लेटर को अपन को एक ही बार यूज करना है, अपन दोबारा यूज नहीं कर सकते, इसलिए थ्री इंडिपेंडेंट वर्ड्स बन रहे हैं। कुछ बोल रहे हैं कि ईयर भी बन सकता है, ईयर भी बन सकता है, ईयर तो बन जाएगा, पर तुमने ई तो पहले ही यूज कर लिया ना, ए भी यूज कर लिया, आर भी यूज कर लिया, एक्स्ट्रा चीजें कहाँ से लाओगे, एक्स्ट्रा चीजें नहीं आ सकती, तो इसके अंदर क्या होगा, थ्री इंडिपेंडेंट वर्ड्स बन सकते हैं और हर लेटर को एक ही बार यूज करना है, तो इसका आंसर 2 नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, इसका आंसर 3 होगा, ये बात समझ में आ गई। इसके बाद सुनो, इसके बाद क्या है, नेक्स्ट वाली वीडियो, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर 19th में अपना तीन वर्ड दे रखे हैं, तीन वर्ड दे रखे हैं, इसमें इसमें ओनली वंस इन ईच वर्ड, मतलब हर लेटर को एक वर्ड में एक बार यूज करना है और कितने भी वर्ड बना सकते हैं, तो इसमें एक वर्ड तो रोप बनेगा, एक रैपो बनेगा और एक पोर बनेगा, तो तीन वर्ड बन सकते हैं। ठीक है, वो कैप के क्वेश्चन है, इसमें इतना सीरियसली इनको नहीं लेना। ठीक है, तो तीन वर्ड बन सकते हैं, तो 20th और 19th में करेक्शन था, दो करेक्शन तो ये हो गए और एक करेक्शन अपना हो गया, एक करेक्शन हमारा ये हो गया। इसमें क्या हुआ कि ये सीरीज जो सीरीज इस क्वेश्चन में लिखी है ना, ये रॉन्ग है, मतलब डी ई एफ जी एच, एच के बाद आई गायब हो गया, आई गायब हो गया, जे गायब हो गया, इसके कारण है ना, जो क्वेश्चन अपन ने सॉल्व करा था उसका और अपना आंसर में वेरिएशन आ रहा है, इसका ओरिजिनल आंसर क्या होगा, वाई, तो ये वेरिएशन किसकी वजह से आया, ये सीरीज गलत हो गई थी इसकी वजह से, तो ये तीन करेक्शन है उस वीडियो में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ये तीन करेक्शन नोट कर लेना। ओके।